माननीय मंत्री साहब गोरेलाल साहब जी बा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम साहब, अभी गौतम साहब बहुजन समाज बहुजन साहब पार्टी के राज्य बा दारा सिंह जी जाटव साहब, तो सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं। आप वर्तमान आकर के आम जनता को आप संबोधित किया, सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, बहुत अच्छे ढंग से किया। मैं आपसे बहुत ही प्रभावित हुआ हूं साहब, और मैं आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। साथ में ही सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी भरतपुर जिले के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। बस समस्त जनता भरतपुर लोकसभा जनता छोटे बड़े सभी भाइयों को सबसे नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। तो आप मैं प्रत्याशी भरतपुर लोकसभा प्रत्याशी का बनने जा रहा हूँ, आप मुझे भाई बहन से जिताइए, जिससे मैं आपका एहसान रहूँ। आपकी जीत मेरी ही जीत होगी, मैं मरते पर्यंत आपके एहसान को नहीं भूलूंगा। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम सिंह है और गांव धर्मपुरा है। मैं बैंक ऑफ इंडिया से प्रथम पद से रिटायर हुआ हूँ और मैं इस समय भारतीय जीवन निगम भरतपुर में आठ साल के काम कर रहा हूँ। मेरा जो कर्तव्य है जनता की सेवा करना और सहयोग करना मेरा परम कर्तव्य है। बसपा में मेरी आत्मा है, बसपा में और बहन जी में, बाबा भीमराव अंबेडकर में, बाबा बौद्ध में मेरी आस्था है, और इसलिए मैं एक आत्मशक्ति में आत्मशक्ति की बल से ही मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। और बहन मायावती जी को 2019 में मैं प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, और मेरी शुभकामना है बहन मायावती जी 100% चाहे किसी से उसे बने वो प्रधानमंत्री ही बनेंगी, और बनना ही है, चाहे किसी गठबंधन से बने पर वो बनना है।